जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम। ठीक, क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट्स प्रॉपरली एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल अगर अपन ड्रॉ करें तो व्हाट इज मीन बाय बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कि 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स। 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 एटम इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, राइट। और यहां पर अगर मैं इसको बॉडी डायग्राम नाम देता हूं एंड दिस इज एज लेंथ ए, तो बॉडी डायगोनल एंड दीज थ्री एटम्स आर इन कॉन्टेक्ट, तो वी कैन से दैट इफ द रेडियस ऑफ दिस एटम इज आर, वी कैन से रूट थ्री ए इज इक्वल टू 4r। हाउ? क्योंकि अगर हम इसको यहां से यहां तक देख रहे हैं तो ऑल थ्री एटम्स आर इन कॉन्टेक्ट, ठीक, और इनकी रेडियस यदि मैं r लेता हूं तो ये 2r और ये r, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हमने क्या बोला कि दिस इज बॉडी डायग्राम। ये कैलकुलेशन कई बार हम देख चुके हैं कि दिस इज रूट टू ए डिस्टेंस, दिस इज ए डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमने बोली रूट थ्री है। ठीक, ये कैलकुलेशन हमें पता है। अब ये बोल रहा है कि यहां पर सेंटर ऑफ द एज, दिस इज कॉल्ड एज एज, तो एज पर ये बोल रहा है कि एक एटम हमने रखा और ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट एटम Which can be fitted properly into this edge, ठीक है। अब देखिए हमने दिखाया है इसको इस तरीके से, पर वास्तव में इसको हमें कैसे दिखाना चाहिए कि ये एक एटम, ठीक है, उसके बाद ये एक एटम छोटा और उसके बाद ये एटम बड़ा, यानी कि ये वाला एटम कैपिटल R इसकी रेडियस, ये छोटा एटम जिसकी रेडियस हमने R मानी तो ये R प्लस R होगा और यहां ये रेडियस R। तो हमने इस डिस्टेंस को क्या माना हुआ है, एज लेंथ ए, दिस इज एज लेंथ ए। फिर क्या चीज बोल रहा हूं, इस सेंटर से इस सेंटर की डिस्टेंस ये हो गई एज लेंथ ए, और यहां पर एक एटम हमने रखा जो कि बिल्कुल प्रॉपरली फिटेड है। प्रॉपरली फिटेड का मतलब कि ये यहां पर इन दोनों को टच कर रहा हो, इसकी रेडियस कैपिटल आर इस छोटे एटम की स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, सो द टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। समझ पा रहे हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कैपिटल R, ये 2r एंड ये r, तो ये 2 कैपिटल R प्लस 2r ये डिस्टेंस हो गई। अब हमें जैसा ये पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r, तो मैं इस ए को क्या लिख सकता हूं, दिस ए इज इक्वल टू 4r बाई रूट थ्री, ठीक है, 4r बाई रूट थ्री। ठीक है, इसको यदि आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, या फिर मैं एक काम करूं एज लेंथ एक ही टर्म्स में निकालना चाह रहा हूं, तो हम एक काम करते हैं कि यहां पर r को लिख लेते हैं कि 4r इज इक्वल टू रूट थ्री ए, सो 2r विल बी रूट थ्री बाई 2a, ठीक है, इस 2r को उठा के मैं यहां रखता हूं तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू प्लस 2r। अगर मैं इसको इधर ले आऊं, ठीक है, तो 2r इज इक्वल टू ये हो जाएगा a कॉमन ले लें हम, ठीक है, यहां से 1 माइनस रूट थ्री बाई टू, ठीक है, और यहां से मैं r लिख सकता हूं ए, यहां से कॉमन लेके 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 4। इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो ए 2 माइनस रूट थ्री 1.732 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.067 टाइम्स ऑफ ए। तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। एक बार और इसको देख लेते हैं हम, बॉडी सेंटर बीसीसी की बात चल रही है, बीसीसी में ये बॉडी सेंटर का एटम दोनों कॉर्नर को टच करेगा, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस ये है रूट थ्री ए, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस
मतलब कितनी होगी 4R। तो R को मैंने लिख लिया किसकी टर्म में, A की टर्म में। अब हम इस पे एक छोटा सा आइटम रख रहे हैं जो बिल्कुल प्रॉपरली फिटेड है, तो इसका प्रोजेक्शन मैंने यहां लिया बड़े आइटम की रेडियस कैपिटल R और छोटे आइटम की स्मॉल R। तो यहां से यहां तक एज लेंथ हो गई और एज लेंथ को मैंने R और स्मॉल R की टर्म में लिखा और ये रिलेशन मेरे पास आया। इसमें मैंने क्या किया, R को जो है यहां पुट किया इन टर्म्स ऑफ A और फिर आगे सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर। इसकी रेडियस पूछी थी किसकी टर्म में, पूछी थी A की टर्म में। सो दिस इज द सॉल्यूशन।